नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय होगा धर्मराज जी की कथा। दोस्तों, धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और सीधे स्वर्ग को जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी हो सके। दोस्तों, आपको ये कथा एक बार जरूर सुननी चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय के बारे में पता लग सके। दोस्तों, श्री धर्मराज व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और महात्म सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपया यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह प्रश्न पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी मुख नहीं रही। इस प्रकार धर्म प्रायण यह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चकोर है तथा उसके चार द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं और हीरे की कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्म को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए।
उसको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभो, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्क्रिया नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान ने उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति यथा लाभ संतोष यथा क्षमा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानि मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानि मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानि पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें और पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और प्रोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे सोने की, या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर षोडश उपचार से उसकी पूजा करें, मेरे हाथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें, हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावें और बांस की छावड़ी में 5.25 से धन्य धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी है भर कर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग के चढ़ने से के लिए सोने या चांदी की निश्रणी भी दान देवें, सुंदर बनी शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा तकिया और रजाई हो, इसके सिवाय कंबल पादुकाएं बांस की लकड़ी लोटा डोर पांचों कपड़े 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गोदान का समर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवें, ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए हैं, धनवान व्यक्ति भी दें तो भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे, बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मर कर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें कह दी जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी।
और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंशों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्म राजव्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी इसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्म राज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्म राज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। धर्म राज कथा संपूर्णम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कथा को पूरी जरूर सुने। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।